नजारा कुछ इस प्रकार है। बारिश तो भाई कंटिन्यू है। अरे माधुरी धुरी धुरी धुर धुरी हो जाता भाई अभी। अब बारिश जितनी मर्जी आ जाए अब नहीं रुकना है हमें। रहा एक एक्सीडेंट फिर दिख गया। ये तो डिवाइडर पार करके ही आ गया भाई। इतना ज्यादा कैटल कभी देखे हो जीवन में? बाबा रे गुड मॉर्निंग जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत दिन के बाद एक नए वीडियो में। तो भाई मैं घर से निकल चुका हूँ और आपको कुछ आइडिया होगा नहीं तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ। तो सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ रांची टू कोलकाता। मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए। वो ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हो रही है कल से कोलकाता में। आज रिपोर्टिंग है और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं निकल चुका हूँ। और मौसम रांची का मनमोहक खूबसूरत। सो भाई इस बार अपने साथ कोई नहीं है, अकेला हूँ, सोलो हूँ। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ इतना लंबा। कुछ सोचा नहीं, कुछ किया नहीं, बस मैंने तो व्लॉगिंग का भी नहीं सोचा था। बट फिर डिसाइड किया कि भाई अकेले बोर हो जाऊंगा इसीलिए आपसे ही बातें कर लेता हूँ, थोड़ा मन लगा रहेगा। रहा एक एक्सीडेंट फिर दिख गया। ये तो डिवाइडर पार करके ही आ गया भाई। सुबह सुबह क्रेन भी आ गई है उठाने के लिए। तो मैप के अनुसार अभी हमें लगेंगे 7 घंटा और 24 मिनट एंड वी हैव टू कवर 410 किलोमीटर्स। सो अभी जस्ट तो मैंने जर्नी स्टार्ट की है और मौसम एकदम सपोर्टिव है। व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट फॉर अ राइड? एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम गुजर रहे हैं तयमारा घाटी से। आई होप अभी आपने उसका सिनेमैटिक देखा होगा। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई है एकदम लिटिल में। जैसे कि आप मेरा हेलमेट वाइजर में देख सकते हैं और उम्मीद तो है कि बारिश हो सकती है, देखते हैं आगे। और भाई नज़ारा लवली, हाड़ बहुत सही लग रहा है यार उधर का। तो भाई सीन क्या है ना, मुझे अब स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे रिपोर्ट करना है वहाँ पे अपने ट्रेनिंग सेंटर में। तो दिन ढलने से पहले मुझे रिपोर्ट करना है वहाँ पे। ज़्यादा स्टॉप्स लेने की कोशिश मैं नहीं करूँगा,
मौसम इतना सही है ना कि रुकने पे मजबूर हो जाते हैं नेचर को निहारने के लिए। ऊपर सूरज दिख रहा है कहीं पे बादलों में छुपा हुआ। भाई तू ऐसे ही रहना, आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पे मुझे रुकना पड़ गया, बारिश थोड़ी बढ़ गई है और दिस इज़ रंगमटिया, तो ये बस स्टॉप में मैं रुका हूँ। थोड़ा वाटर प्रूफिंग कर लिया जाए क्योंकि ये तो वाटर प्रूफ है बट दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ, तो इसे रेन कवर लगाना पड़ेगा। भाई साहब थोड़ा थोड़ा करते करते यार पानी अंदर ना चला जाए। तो भाई जैसे चंडील एरिया क्रॉस किया ना मैंने, वैसे बारिश थोड़ी बढ़ गई है। ऐसे ही लगता है ना कि नहीं गलत लगाया शायद मैंने, ये ऐसे लगता है। नाउ अब सही लगा है। थोड़ा मैं दुविधा में हूँ कि रेनकोट निकालूँ कि नहीं, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा कर करते करते भिगाई देगी, बट मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है ना कि जैसे मैं रेनकोट लगाता हूँ पता नहीं बारिश कहाँ गायब हो जाती है उसके बाद। भाई रेन कवर वगैरह सब डाल लिया, अब चलते हैं और आजमाते हैं अपनी किस्मत, देखते हैं जैसे मैंने रेनकोट पहना अब बारिश रुकती है कि नहीं। क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है कि जैसे मैं रेनकोट पहना वैसे बारिश हो जाती है ख़त्म। ये भाई सुपर पावर सबको नहीं मिलती है, ये मुझे स्पेशल मिला हुआ है। सो या चलो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी इन द रेन एंड या लेट्स गो। तो भाई मेरे कुछ साथ ही ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर पहुंच चुके हैं कोलकाता, तो कल बात हुई थी उनसे तो वो भी बता रहे हैं कि भाई जल्दी करना, एटलीस्ट शाम से पहले पहुंच जाना क्योंकि वहां भी शाम शाम में बारिश हो रही है रोज झमाझम। अब कोई प्रॉब्लम है नहीं, अपना सारा चीज वाटरप्रूफ हो चुका है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता भाई। तो भाई ये आ गया हमारा नाश्ता, दिस इज आलू पराठा। एक आलू पराठा मंगाया मैंने विद चटनी, पता नहीं कौन कौन सी चटनी है, एंड दिस इज ऑमलेट। सो या शुरू करते हैं नाश्ता। भाई पराठा तो आपने बहुत खाया होगा बट इस टाइप का पराठा आपने नहीं खाया होगा। पराठा मैं खा रहा हूँ चम्मच से, ये इसलिए नहीं क्योंकि पराठा हार्ड है, इसलिए भाई क्योंकि मेरी स्किन अभी थोड़ी नई नई है उसकी वजह से मैं थोड़ा गर्म भी पराठा छू रहा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आग में हाथ डाल देना, तो पराठा खाना पड़ रहा है चम्मच से बट कोई नहीं। तो भाई अभी हो रही है ना एडवांस लेवल की व्लॉगिंग। अब यहाँ से नाश्ता करके हम निकल रहे हैं, बारिश भाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने लगा लिया है निंजा टेक्निक और प्लास्टिक में इसे कवर कर दिया है और या व्लॉगिंग चलती रहनी चाहिए। तो भाई ये हमने पकड़ लिया है कोलकाता टाटा कोलकाता हाईवे। अब बारिश जितनी मर्जी आ जाए अब नहीं रुकना है हमें।
नज़ारा कुछ इस प्रकार है। बारिश तो भाई कंटिन्यू है। हाँ, एक स्टॉप मुझे और लेना है, एक छोटा सा स्टॉप, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं पेट्रोल की आवश्यकता पड़ गई है और बाइक मेरी फ्यूल मेरे रिजर्व में जाने वाली है। सो या, अगला कोई फ्यूल स्टेशन देखते हैं, वहीं पर रोकते हैं। लेट्स गो। फुल कर दीजिए। ठीक है, कितना हो गया? 972। हज़ार कर दो यार, चला जाएगा ना। ये लो, तो दोस्तों टंकी हो गई है फुल, अब प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो भाई 1000 का तेल लगभग आ गया, 10 लीटर मैंने भरा लिए हैं। बारिश में अगर वाटर प्रूफिंग हो ना, कोई दिक्कत ना हो भीगने भागने का या आपके गैजेट का भीगने का, तब तो मज़ा ही आता है बारिश में राइड करने का। बाकी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे चिरी चिरी जल पड़ी छे गाना याद आ गया कौन सा लैंग्वेज का गाना है ये नहीं पता, बट गाना याद आ गया, चिरी चिरी। बताइए, हमारे ईस्टर्न रीजन में मई के महीने में बारिश हो रही है और उधर नॉर्थ में भाई लोग गर्मी खा रहा है दबा के एकदम, दिल्ली उल्ली में यही खूबसूरती है अपने पूर्वी क्षेत्र की। चलो तो भाई लोग, जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर देना, और देखना होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, मन करे तो। अपना भाई का ही चैनल है, कर दोगे तो अच्छा रहेगा है कि नहीं? GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। अरे GoPro हुआ, अरे अरे माधुरी धुरी धुरी धुरधुरी हो जाता भाई, अभी सियार जैसा निकल गया। और ये पेड़ देखो इधर, यूकिलिप्टस का पेड़, एकदम मस्त। सही सही यार, बिजली चमकते हैं आगे, हमको डर लगते हैं। तेरे बिना लगता नहीं दिल मेरा, मेरी धड़कन तुम्ही हो, सांसे तुम्ही हो, महसूस खुद को। नहीं पता यार गाना ही तो, लिरिक्स कब याद होगा हमको भक्त। ओ मौसम के हिसाब से, माहौल के हिसाब से गाना गाते हुए, लेट्स गो। मज़ा तो आ रहा है भाई, दिल से बोल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मज़ा तो आ रहा है। हेलो लाक्षी, इतना ज़्यादा कैटल कभी देखे हो जीवन में? बाबर देख रहे हो चरवाहा, सही है यार, चरवाहा लोग ये वेस्ट भी पहना हुआ है, गजब। कहाँ ले जा रहे हैं इतना ज़्यादा गाय बैल? बाबा ये हो क्या रहा है भाई? नंबर भी लिखा हुआ है किसी किसी में, ये देख दो का पैर बड़ा बड़ा, ये बड़ा सही है। तो भाई बस पहुंचने ही वाले हैं, और एक मिनट लगेगा अपने मंजिल, बस पहुंचने ही वाले हैं, किसी भी क्षण हम पहुंच सकते हैं। और अभी एग्जैक्टली बज रहे हैं शाम के 4, तो कुल मिला के मुझे 7-7.5 घंटा लग गया। सो दिस इज़ माय ट्रेनिंग सेंटर, मेरा बसेरा फॉर द नेक्स्ट 1 month। सो दिस इज़ द गेट। तो भाई ये अपना ट्रेनिंग सेंटर, दिस इज़ आवर CFT ग्रास फायर टेंडर, यहीं पे कल पैर पटकना है। दिस इज़ आई थिंक रेजिडेंशियल, हॉस्टल वगैरह ही है शायद, मंदिर का डिज़ाइन में है।